So hi guys, this is Dr. Aman Tilak. I have completed my MBBS from AIIMS New Delhi. Back in the year 2017, I secured an all-India rank of 33 in the AIIMS entrance examination, and along with that, 96% in the boards. Same year I cracked AIIMS. कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2025 में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे. मंथ वाइज क्या आपका प्लान रहना चाहिए नीट 2025 में मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए. लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाई स्टार्ट नाउ? यूट्यूब पे तो आपने यार एक महीना स्ट्रेटेजी, टू मंथ स्ट्रेटेजी, थ्री मंथ स्ट्रेटेजी ये वीडियोस देखे होंगे, तो क्यों हम लोग पूरा 11th और 12th अपना डेडिकेट करें नीट की प्रिपरेशन में, रेदर देन कि भाई लास्ट का केवल हम लोग ने तीन महीना डेडिकेट किया या फिर केवल 12th में पढ़ना स्टार्ट किया? व्हाई स्टार्ट नाउ? द आंसर इज वेरी सिंपल. 2016 की बात है, ऑल इंडिया रैंक 100, बिग थिंग, 626 मार्क्स, ओनली 626 मार्क्स आउट ऑफ 720 पे आ जाती थी. नाउ 2017 एस्पिरेंट्स बढ़े, सेम ऑल इंडिया रैंक 100 के लिए 670 मार्क्स लाने पड़े. राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब 2022 और 23 पे आ जाओ, वही आपकी 100 रैंक के आसपास, 2022 में 101 जो रैंक है ये 696 मार्क्स इसके लिए चाहिए हुए, और 2023 में तो और छोड़ दो, 705 नंबर पे भी 154 जो है वो रैंक आई हुई है. सो अंडरस्टैंड, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग सो मच. आप देख सकते हो कि 10,000 रैंक 2016 में 489 मार्क्स पे थे, ठीक है, और इस बार जो है आपका 625 के भी ऊपर है भाई 10,000 रैंक. राइट, सो आपका अप्रोक्सीमेटली 150 नंबर का जो है वो कट ऑफ जो है ओवर द पास्ट 6-7 ईयर्स बढ़ चुका है, एंड दिस इज गोना इंक्रीज 2024-25 में और इंक्रीज होने वाला है. सो द राइट टाइम इज टू स्टार्ट राइट नाउ. नाउ द क्वेश्चन कि भाई कि क्या आप एम्स नई दिल्ली 2025 में क्रैक कर सकते हो? सो आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड येस. क्लास 11th में मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. क्लास 11th में आप भी अभी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो येस यू कैन डेफिनेटली क्रैक एम्स न्यू दिल्ली इन नीट 2025. बट ध्यान से बात मेरी बात सुनना, मैं सारे जो कि यूट्यूबर्स जो केवल मोटिवेशन दे रहे हैं उससे थोड़ा सा मैं अलग डिफर करूंगा. एक चीज मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि देखो बात मेरी ध्यान से समझो कि आप जो हो मेहनत करके 675 प्लस जो है अपने जो मॉक टेस्ट है वो ला सकते हो, है ना. जैसा एम्स का सिनेरियो रहा है इस बार 710 नंबर पे भी एम्स नहीं मिला, हो सकता है 24 और 25 में 715 कट ऑफ चला जाए कि 715 वाले को मिलेगा, 710 पे भी एकदम ही नहीं मिलेगा. इस बार क्या हुआ है 710 पे कुछ लोगों को मिलेगा कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक बहुत सारे 30-40 लोग है भाई आपके 710 नंबर पे. सो यू डोंट नो दैट कि भाई नीट 2024 में क्या है आपका जो कट ऑफ रहने वाला है इसने दिल्ली का जो है, आप जो ट्रेंड उसको देखे मैं बोल सकता हूं 715 विल बी द सेफ स्कोर जहां पर एम्स डेली मिलेगा. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जिसके 720 भी आते हैं ना, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई नीट 2020-21-22 किसी भी पूछ लो, है ना, मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ, उनको भी नहीं पता होता कि डेट ऑफ द एग्जामिनेशन उनके 720 नंबर आए. हाँ, उनके जो टेस्ट है उसमें डेफिनेटली 680 690 700 कुछ कुछ मॉक टेस्ट में आ रहे होते हैं, बट उनको नहीं पता होता ये चीज. एंड अंडरस्टैंड यार, ऐसा नहीं है कि भैया जो बंदा जो है एक सिली मिस्टेक कर रहा है 715 ला रहा है वर्सेस एक बच्चा जो कि लेट से 6 उसने गलती कर दी, 690 नंबर पे रुक गया, तो बेवकूफ नहीं है 690 नंबर वाला, उसका शायद से दिन खराब था, शायद से उतना अप्लाई नहीं कर पाया, मे बी, है ना. सो आपको क्या करना है, रेस में आना है एम्स नई दिल्ली की, और एम्स नई दिल्ली वाली रेस क्या है, 675 के ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे होंगे कंसिस्टेंट अपने मॉक टेस्ट में, सो यू आर इन द रेस फॉर एम्स दिल्ली. उसके आगे का छोड़ दो तुम, उसके आगे का लेट गॉड डिसाइड. आप ये 675 प्लस वाली रेस में आने की अपनी मेहनत करो. नाउ अब मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स जो है वो क्या करती है कि जो सिलेबस वर्सेस जो टाइम का जो ग्राफ होता है वो ऐसा जाता है आपका, है ना, कि लास्ट टाइम में आपके लास्ट के 2-3 महीने में आपका जितना पूरे 8-9 महीने में नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें क्लास 11th में उतना पढ़ा दिया जाएगा. आप किसी भी कोचिंग में देख लो यही चीज रहता है यार, मेरे भी कोचिंग में आप मेरे फर्स्ट 3-4 जो मंथ थे यार एनिमल किंगडम तक ही पढ़ाया गया था, उसके बाद स्पीड में इतना तेज भगाई जाती है गाड़ी कि अगर आपने पहले से चीजें नहीं पढ़ी होती है नहीं समझी होती है तो मुश्किल हो जाता है, फिर आपके जो स्कूल के हैं वो भी एग्जाम्स होते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट राइट नाउ. इफ यू डोंट बिलीव मी, आस्क योर सीनियर्स जिन्होंने अपना पूरा क्लास 11th वेस्ट किया है, कंसेप्ट नहीं बनाए फिजिक्स केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग, दे विल ऑल्सो से द सेम थिंग, दे विल ऑल्सो से कि स्टार्ट नाउ, 11th इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर नीट प्रिपरेशन. नाउ आगे आते हैं, अब ये तो समझ में आ गया कि भाई पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पहले 3 महीने क्या करें, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर,
दिस इज वॉट आई थिंक. आप ये वीडियो अभी देख रहे हो जुलाई अगस्त सितंबर, या फिर आप जब भी देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकते हो. अगस्त में देख रहे हो तो आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कोशिश करो यार कि आप ये जो भी मैं बता रहा हूं इसको सितंबर के एंड तक खत्म करो. मेहनत ज्यादा करनी पड़े थोड़ी लेट ये वीडियो देख रहे हो, बट प्लीज ये जो मैं बता रहा हूं इतना आपको करना ही करना है. ट्राई कि भाई सितंबर 30 तक ये खत्म करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ मे बी आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, सितंबर 30 तक खत्म करना है. नाउ स्टार्ट करो बेसिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री. फिजिक्स में क्या है आपका, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वर्किंग विद ग्राफ्स, ये सारे आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. आपको इसके क्वेश्चंस ना आपके सामने, आपको रात में 2 बजे भी कोई उठा के पूछ लेगी यार ये सॉल्व करो तो आपके सॉल्व होने चाहिए. फिजिक्स किसी को नहीं पसंद होती, आपने बायो ली होती है नहीं पसंद होती, मैथ्स से रिलेट होता है, लेकिन मेहनत करनी है क्योंकि अभी मेहनत करोगे ना तो ये इसका आपको रिजल्ट ना बाद में समझ में आएगा. जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप फ्यूचर में जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे जो कि विच रिक्वायर कि आपके बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग हो, स्टेप वाइज मैनर में पढ़ना है, तो आप वो पहला स्टेप ही नहीं कर पाओगे तो आगे का एडवांस कंसेप्ट कहां से समझोगे. सिमिलरली केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट हो गया जो मैं बोलूंगा बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केवल एनसीईआरटी नहीं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके सारे जो रिएक्शन के मैकेनिज्म है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. क्योंकि फॉर एग्जांपल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यार जो कि आपको शायद से नहीं आते होंगे, ट्वेल्थ के भी होंगे, लेकिन आपको अगर मैकेनिज्म क्लियर है, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आप वो भी कर ले जाओगे. आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप एक्चुअली यू विल ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आप मेरे को आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद, क्लास 12th में, आज से 2 साल बाद जब नीट दे रहे होगे मेरे को थैंक्स बोल रहे होगे कि दिस वॉज समथिंग विच वॉज टोल्ड बाई अमन भैया. नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री आपने ये कर दिया, बट एट द सेम टाइम जो भी आपको पढ़ रहे हो उसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है. लोग सोचते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, लोग सोचते हैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी. नहीं भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, assertion reason क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एनसीईआरटी की रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी टॉपिक आप ये पढ़ रहे हो डेली उसके आप एनसीईआरटी भी पोर्शन उससे पढ़ना ही पढ़ना है. नेक्स्ट बायोलॉजी डेली, मैं तुम्हें टारगेट दे दे रहा हूं ये चीज करनी ही करनी है. बायोलॉजी की एनसीईआरटी अब क्लास 11th की बोल रहा हूं यार मैं, 10 पेजेस डेली नहीं पढ़ सकते क्या? अरे डेफिनेटली पढ़ सकते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा, दे सकते हो, पढ़नी है. क्योंकि बायोलॉजी 360 नंबर है और 360 नंबर में से ऑलमोस्ट पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है. तुम सच्ची में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो 10 दिन का आपको टारगेट लेना है कि वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़नी है बायो की. नाउ अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि देखो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 तक तुम्हारे पास, चलो मैंने बोल दिया कि यार 75 डेज है ना, जो लोग थोड़ा लेट भी वीडियो देख रहे होंगे, क्या पॉसिबल नहीं है कि यार तुम अगर 10 पेज एनसीईआरटी के पढ़ रहे होगे है ना, 750 पेज हो जाते 75 डेज में. अगर इसे स्लो भी पढ़ रहे हो, 5 पेज भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी आप पूरी क्लास 11th की तो 2 बार जो है एनसीईआरटी जो है आप रिवाइज करके आप वो पढ़ लोगे क्लास 11th की, तो आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी भाई पूरी की पूरी क्लास 11th की एनसीईआरटी, मैं बोल रहा हूं, ठीक है. नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके जब ये चीज आप कर लोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. एनसीईआरटी भी जो है वो आप एक बार पढ़ चुके हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, जो यहां पर लोग गलती करते हैं, लोग केवल क्या करते हैं, इवन बायो में बात करूं तो केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ो तो एनसीईआरटी पढ़ के और सारी चीजें करेंगे, एनसीईआरटी छोड़ देंगे, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी छोड़ देते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री वाली चीज है. ये नहीं करना है. डेली जितना भी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ साथ उतने पेजेस जितने आप पढ़ रहे हो उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि भाई वो जब तुम करोगे तब तुम कंसोलिडेट कर लोगे. एनसीईआरटी पढ़ना एक चीज होती है, उसे अप्लाई कर पाना क्वेश्चन में दूसरी चीज हो पाती है, ठीक है. सो तो आपको ये अप्लाई करना समझना है कि ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारे पास एमसीक्यू एग्जाम आ रहा है तुम एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तुम्हें कंसेप्ट भी क्लियर था, तुम्हें पढ़ा भी हुआ था एनसीईआरटी, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा हो गया भाई पढ़ के. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली के डेली करते चलिए. हर चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आपको करने, 100 से 200 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर में, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायो का हो, वो एवरेज करने ही करने. आप 150 जो है क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान लो उतने करने ही करने. और जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको आपको बुकमार्क करना है, या पर स्क्रीनशॉट खींच लेना है, या पर उसको आपको सेव कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जिससे बाद में उसे रिवाइज कर पाओ. क्योंकि आप अपनी गलतियों से ही सीखोगे, तभी आप फिर से वो गलती वापस से दोहराओगे नहीं. नाउ देखो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यार कुछ क्वेश्चंस यार डाले हुए हैं, जाके जरूर से विजिट कर लेना, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है ना. नाउ मैं तुमसे यार कोई कुछ क्वेश्चन पूछता हूं. देखो 11th आपने पढ़ा होगा, 3-4 चैप्टर्स तो पढ़े होंगे ना यार बायो के. द नेम वायरस वॉज कॉइंड बाई डीजे इवानोव्स्की इन, नाउ ये मैंने ईयर पूछ लिया, लोग सोचेंगे यार ये नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्यों नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी एक बुक है आपकी क्लास 11 की, एक बुक है क्लास 12 की, 360 नंबर दे रहे हैं यार तुम्हें, क्यों नहीं पढ़ना है.
पढ़ना है, पता होना चाहिए। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि डीजे इवानोव्स्की कौन था, एमडब्ल्यू बेजरीनेक कौन था, डब्ल्यू एम स्टैनली कौन था, ये सारे जो है आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरा चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, नेक्स्ट चैप्टर पे चले आते हैं। मैं तुमसे पूछ लूं कि यार ये डायग्राम किसका है, ये प्लांट किंगडम का है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इसमें, फ्यूकस डिक्टियोटा में कंफ्यूज होते हैं। तुम्हें आता होगा, पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो तुम तुरंत अभी आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट मैं तुमसे पूछ लूंगा यार फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू डैश इन स्ट्रक्चर एंड फाउंड इन डैश, है ना। सो यू विल बी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है भाई। 2/3 ऑफ द पीपल हैव एक्चुअली मेड दिस आंसर गलत, 67% पीपल ने गलत किया इसका आंसर, जबकि एनसीआरटी की लाइन से था कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर इन स्ट्रक्चर, एंड ये ग्रासिलेरिया था उसका एग्जाम्पल दिया था। बच्चे क्या किए, वो ग्रासिलेरिया और लेमिनेरिया में कंफ्यूज कर गए, एंड देन दे मार्क द रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो पहला ऑप्शन था। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। नाउ मैं तुमसे पूछूं कि चलो नेक्स्ट चैप्टर आ गया एनिमल किंगडम, है ना, तुमने बड़ी बड़ी मॉड्यूल्स पढ़े होते हैं यार कोचिंग में। मैं तुमसे ये सिंपल सा पूछ लूं कि भैया ये जो है ऑस्ट्रिच जो है इसका भाई ये एनसीआरटी में लिखा हो इसका नाम क्या है भाई, है ना। कुछ लोग सही बताएंगे, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे, है ना। श्रुथियो इज द साइंटिफिक नेम इसको आप जो है ना, ये एनसीआरटी का ये डायग्राम एनसीआरटी का पूछा है ना। नाउ नेक्स्ट तुमसे मैं पूछूं कि ये क्या है, यहां पर लोग बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिला है ना, यू स्पॉन्जिला कुछ होता भी है कि नहीं है, यू स्पॉन्जिया था, तो नन ऑफ द दीज भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है यार, ये भी तुम्हें सोचना है। तो ये बताओ क्या है, है ना, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है इसके ऑप्शंस में, मैं बता सकता हूं तुमको, बताओ क्या है, है ना। बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, मैं तो बोल रहा हूं 95% लोग नहीं बता पाएंगे भाई ये चीज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैव डन फॉर यू, कि लेट से तुमने लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, है ना, दिन के लेट से तुमने 10 पेज जो मैंने बोला एनसीईआरटी के पढ़े, है ना, तुमने चलो 22 पेज से पेज नंबर 27 तक पढ़े, इन सारे पेजेस के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उनके विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उनके विद डिटेल्ड एनसीईआरटी की लाइन जिससे कि वो क्वेश्चन बना है, बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन जिनका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये केवल बायो में नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनोटेशंस की, भाई प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पूछा गया तो उसकी भी मार्किंग कर रखी हुई है, हिंट्स टू सेलेक्टेड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच है उसमें अवेलेबल कराई हुई है। द कॉस्ट फॉर दिस इज लेस देन ₹200 फॉर पर मंथ, एंड नीट 2025 तक का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज ₹499। नाउ फॉर दोस हु एनरोल अर्ली 45% स्टेट डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, 30% डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट 400 स्टूडेंट्स, 100 से 500 अगर आप स्टूडेंट्स के बीच में, तो यू विल गेट 30% डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट, एंड 15% डिस्काउंट टू 500 टू 1000 जो स्टूडेंट है जो एनरोल कर रहे हैं। सो आप जाके देख सकते हो, जैसे भी हो यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस। नाउ विल दिस बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, डिपेंड्स अपॉन कि क्या आप आज की डेट में मेहनत करने को रेडी हो कि नहीं। भाई तुम एक बच्चे को सबसे महंगी ₹2,00,000 की कोचिंग में एडमिशन दिला दो, क्या उस ₹2,00,000 की कोचिंग में क्या 100 बच्चों के बैच में 100 का सिलेक्शन होता? नहीं, सिलेक्शन तो 5 लोग का होता, 95 तो उनका भी नहीं होता। तो अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप प्रॉमिस कर सको मुझे कि सोगे नहीं अगर 5 पेज एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी अभ्यास बैच से नहीं करोगे डेली का, सोगे नहीं, सो दिस विल बी मोर देन वर्थ द मनी विल बी स्पेंडिंग ऑन दिस बैच। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, अगर तुम्हें लेट से बैच लिया, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें 3 दिन तक इसे यूज करो नहीं पसंद आया, तुम्हें केवल एक support@neetprep.com पे ईमेल डालना है कि आई वॉन्ट माई रिफंड एंड यू विल गेट योर रिफंड। तुमसे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तुम्हें क्यों चाहिए था रिफंड या फिर तुम्हें पसंद आया नहीं, नो वन इज गोना आस्क यू। सो डू एनरोल फॉर दिस एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन इट, इवन मच मोर देन दैट, है ना। नाउ अब आ जाओ तुम्हारा, देखो अक्टूबर क्या करना है, ये अक्टूबर में मैंने भी किया था अपने जब मैं क्लास 11th में था। अक्टूबर में, अक्टूबर तक आते आते यार देखो अब तुम्हारे जो है कंसेप्ट स्ट्रांग हो चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक के, है ना, जो तुम कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहे थे वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, है ना, उसमें कोई बात नहीं थी। नाउ अब बायो की क्लास 12th की एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ गई तो दिस कैन बी आइसिंग ऑन द केक, है ना यार, बहुत ज्यादा समय लेने लगेगा अगर तुम दिन के 8 से 10 पेज पढ़ रहे हो एनसीईआरटी के। सच्ची में तुम क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी अक्टूबर में पढ़ सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो अपने बैचमेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहां पर क्या करना है, पूरा क्लास 11th जो है कंप्लीट करना है,
कंप्लीट करना है, मतलब पूरा जो कि कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है पूरा उसे कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है ना। अब यहां से जब बात आई नवंबर दिसंबर जनवरी, नाउ आई थिंक कि आप जो है एक वीकली जो है आपको 720 मार्क्स का ऑफलाइन मैनर में टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे पहले भी कर सकते हो बट नवंबर से तो करना स्टार्ट करना ही करना है, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम 720 का मार्क्स का होगा और ऑफलाइन होगा। नाउ यहां पर बच्चे कुछ पूछेंगे क्या कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है, अगर आप एक अफोर्डेबल कोचिंग का हिस्सा हो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो क्या करो यार तुम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ये चीजें बताई है ना पढ़ने का, अब क्या करो यार सिंपली यार यूट्यूब पे सर्च कर लो यार ये चैप्टर सर्च कर लो, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल अलग पांडे सर हैं उनके वीडियोस अवेलेबल पुराने वाले है ना। नाउ उसके अलावा तुम्हें अन अकेडमी आपका है, बायजूस है आपका, आपका बहुत सारे यार जो है चैनल्स हैं है ना, बच्चे कमेंट भी कर देंगे कौन कौन से फ्री चैनल है जहां पर अच्छा पढ़ाया गया है। डॉक्टर आनंद मनी है उनका अच्छा चैनल है बायो में पढ़ाने का, बहुत सारी यार चीजें आपको फ्री के फ्री ये सारी चीजें आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बैच लेना चाहो इट इज गुड, ऐसा मैं कोई मना नहीं कर रहा, बट अगर नहीं मिलोगे तो भी चलेगा, ये सारी चीजें आपका क्लास 11 तक आपका पूरा का पूरा चल सकता है ना। लेना चाहो दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब अप टू यू, यहां पर मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम्हें खरीदना ही खरीदना है कोई बैच है ना, अप टू यू। अगर आप कर सकते हो भाई, लोग यूट्यूब से पढ़ के भी अच्छे रैंक लाते हैं है ना। नाउ आगे आ जाओ, अब तुम आ गए भाई अपना नवंबर दिसंबर जनवरी में, पूरा क्लास 11 तुमने कंप्लीट कर दिया, वीकली 720 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो। एक चीज याद रख लेना, तुम कोचिंग ज्वाइन करो कि नहीं है ना दैट इज सेकेंडरी, बट एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मैनर की, मैंने आकाश एंड एलन दोनों के मैं टेस्ट देता था, वेरी गुड। आप कोई भी और ज्वाइन कर सकते हो, बस ये देख लेना कि उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है कि नहीं, बट डू ज्वाइन दैट। एंड नवंबर से तो आपको रेगुलरली आपको जाना ही जाना है टेस्ट देने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। नाउ अब आ गया तुम्हारा फेब्रवरी, फेब्रवरी में तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स होंगे या फिर मार्च में होंगे, जब भी है अब क्या करो, तुम्हारा यार बस टारगेट है कि उसमें पास करना है, बट माइंड इट आपको क्लास 11 पूरा रिवाइज करना है, दैट इज योर एक्चुअल टारगेट। फिर से पूरा आपको पूरा रिवाइज करना है क्लास 11 जितना पढ़ा, एनसीईआरटी बायो एंड केमिस्ट्री तो पूरी अच्छे से उसमें रिवाइज करनी ही करनी है, चाहे तुम फिजिक्स डेरिवेशन उतना नहीं करो, मार्क्स कम आ जाए तुम्हारे 60 नंबर आ जाए फिजिक्स में, 65 नंबर आ जाए 100 में, कोई नहीं पूछा तुम्हारे 11th के मार्क्स, बट बायो और केमिस्ट्री तुम्हारी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें नीट में भी हेल्प करने वाली है। सो यूज योर स्कूल एग्जाम्स एज अ मोटिवेशन टू स्टडी एंड रिवाइज योर एनसीईआरटीज वन मोर टाइम, ठीक है। अब बायो केमिस्ट्री की तुमने एनसीईआरटी पूरी कर ली क्लास 11th की, अब आ जाओ क्लास 12th, नाउ बिगिंस। बिफोर दिस जब क्लास 12th बिगिन कर रहा है उससे पहले है ना आपका या तो मार्च में स्टार्ट हो रहा होगा या अप्रैल में स्टार्ट कर रहा होगा, एक क्लास 11th का पूरा फुल सिलेबस टेस्ट देना है 720 मार्क्स का। इससे तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे 11th कितना अच्छा आता है। अगर तुम्हारे 650 के ऊपर नंबर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 11th में तुम अभी भी वीक हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें और मेहनत करते रहनी पड़ेगी। एक पानी में एक जानना कि आप कितनी आपकी स्टैंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये आपको करना ही करना है जब क्लास 12th बिगिन कर रहा है, उससे पहले आपको क्लास 11th का एक ऑफलाइन मैनर में अगर पॉसिबल है, या टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी होता है यार, मतलब ये 11th वाला टेस्ट है ना, या फिर आप अपना घर पे भी करना चाहो कर सकते हो, एक प्लीज जानना जरूरी है कि तुम्हें कितना अच्छे से आता है क्लास 11th। अब क्लास 12th आ चुका है, वैसे ही फॉलो करना है बायो की, आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहनी है, आपको जो है आप पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते जा रहे हो, डेली की डेली जितना क्वेश्चन कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो ना। एनसीईआरटी अभ्यास मैच में हर एक जो चैप्टर है उसके हम लोग ने 150 क्वेश्चन, वही जो इंपॉर्टेंट है, टोटल 15,000 क्वेश्चन, दैट आर सफिशियंट। ऐसा नहीं कर रहे कि आपको 1,00,000 क्वेश्चन, 50,000 क्वेश्चन जो आप कहीं से सॉल्व ही ना कर पाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद इनको बुकमार्क करने के बाद आपको रिवाइज भी करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। नाउ अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, इसको तुम कह लो गुरु मंत्र है, जो मैंने भी किया है कहीं ना कहीं, क्लास 12th में जब हो क्लास 11th रिवाइज करते रहनी है। अब तुम रिवाइज करने के लिए या तो टेस्ट जो है उसका एक स्ट्रेस यूज कर सकते हो, अपने आप के लिए बोल दिया कि भाई हर 10 दिन में कोई टेस्ट देना है, उसके लिए फिर तुम्हें 2 या 3 दिन पढ़ने पड़ेंगे क्लास 11th बेस्ड टेस्ट। या तो क्या कर सकते हो, हर महीने का तुम क्या करो कि हर महीने में 5 दिन आपको क्लास 11th को रिवाइज करने के लिए देने ही देने हैं, या फिर ये नहीं कर सकते तो डेली आप ये प्रॉमिस कर लो अपने आप को कि डेली आप अपने आप को 1.5 घंटा 11th रिवाइज करने के लिए दोगे विदाउट एक्सेप्शन, अप टू यू है ना। या तो 5 दिन पूरे डेडिकेटेडली दे लो, या तो डेली 1.5 घंटा निकाल के क्लास 11th पढ़ना ही पड़ना है कुछ ना कुछ वहां से ना। एवरी 7th डे व्हेन यू आर रीडिंग
वॉट यू कैन डू, ये पूरे अपने प्रिपरेशन के दौरान, मतलब दिस इज समथिंग विच आई हैव डन इन माय पीजी प्रिपरेशन, यू कैन फॉलो इट इन योर यूजी प्रिपरेशन, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल. एवरी सेवेंथ डे रिवाइज ऑल दैट वॉट यू हैव रेड इन द फर्स्ट सिक्स डेज, है ना. और एवरी एट्थ डे क्या करो तुम, जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स थे आपके जो नहीं पढ़ पाए थे छह दिन में, वो आप एट्थ डे पे कर लो. उल्टा भी कर सकते हो कि सेवेंथ डे पे जितना बच गया है ना फर्स्ट सिक्स डेज में, वो रिवाइज कर लिया, और एवरी एट्थ डे जो है वो आपने जो है आपने फर्स्ट सिक्स डेज का आपने रिवाइज कर लिया सेवेंथ डे पे, और एट्थ डे पे जो है आपने लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कर लिया. इसका उल्टा भी कर सकते हो, अप टू यू. नाउ फायदा क्या होगा इससे कि भाई तुम जो पढ़ रहे होगे ना वो कॉन्सोलिडेट होता जाएगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे सेवेंथ एट्थ डे आपका, आप रिवाइज भी करते जाओ. और दूसरा फायदा क्या होगा, आप अपने टाइमलाइन से रिस्ट्रिक्टेड रहोगे. मान के चलो कि मैंने तुमसे बोला कि यार छह दिन में मेरा टारगेट था कि मेरे को लेट से 10 चैप्टर पढ़ने थे, उस 10 की जगह मैं 8 ही चैप्टर पढ़ पाया, फर्क नहीं पड़ता. सेवेंथ डे विल बी अ रिविजन ऑफ ऑल दोज 8 चैप्टर्स विच आई रेड, एंड एट्थ डे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे 2 चैप्टर्स बढ़ गए बच गए वो मैं पढ़ रहा हूँ. इससे मैं अपनी टाइमलाइंस के लिए भी जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ. एंड एट्थ डे तुम कह लो इट कैन बी एन अनस्ट्रक्चर्ड डे, कि तुमने पता, देखो हर एवरीवन फेल्स, व्हाट वी फेल इज वी फेल टू एक्चुअली प्लान, वी डोंट प्लान टू फेल, वी एक्चुअली फेल टू एक्चुअली मेक अ प्लान, दैट इज व्हाट वी डू. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. तो अपने 8-8 डे के स्टडी स्लॉट्स में आप पूरी अपनी प्रिपरेशन ड्यूरेशन को डिवाइड कर सकते हो. आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर, नहीं तो ये फिर से देख लेना ये वाला पार्ट, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. नेक्स्ट, कीप अप द कंसिस्टेंसी. क्लास 12th का आपको पूरा सिलेबस दिसंबर 2024 तक करना है. मैंने भी दिसंबर तक अपने जो क्लास 12th था वहां तक खत्म कर दिया था पूरा सिलेबस. क्लास 12th का सिलेबस पूरा दिसंबर तक करना है, साथ में आपको 11th आप रिवाइज करते ही जा रहे थे, तो लिटरली तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन हो गई नीट की बाय दिसंबर 2024. नाउ व्हेन यू आर डन विद दिस, द रेस इज नॉट ओवर. एक फुल टेस्ट लगा लेना, हो सकता है उसमें तुम्हारे 620, 630, 650 नंबर आ रहे हो, जो भी आ रहे हो, कम भी हो सकते हैं. नाउ योर सुपर मंथ स्टार्ट्स. जनवरी इज अ सुपर मंथ, जनवरी 2025. क्या करना है तुम्हें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेडिकेटेडली, मतलब तुम ऐसा करो भाई 2013 के बाद से जितने भी पेपर हैं, 13-14 बार नीट कंडक्ट हुआ उसके बाद से, क्योंकि कुछ बार रीनीट भी हुआ है, उसको आपको टाइमर लगाना है अपने आप का 3 घंटे का, पॉसिबली इवन 2.5 घंटे का लगाओगे तो और अच्छा है. और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो गलत कर रहे हो उसका एनालिसिस करना है, जो तुम गलत कर रहे हो उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो करने हैं. लेट्स से तुमने क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो तुम्हें पता होगा कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, तो इसलिए रिवाइज कर रहे हो. आपका मेंडल का कोई भी लॉ पूछा गया है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो बाकी जो लॉज है वो भी आप रिवाइज कर रहे हो. दैट इज व्हाट आई मीन बाय कि आपने पीवाईक्यू रिलेटेड टॉपिक्स और पीवाईक्यूज किया, प्लस आपने जितना एनसीईआरटी अभ्यास बैच से आपने बुकमार्क करके रखा हुआ था वो पूरा का पूरा आपने रिवाइज कर लिया, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो गलतियां कर रहे हो रिवाइज कभी ना कभी तो करनी है. सो आई हैव पुट दिस स्लॉट फॉर दैट. नाउ फेब्रुअरी एंड मार्च कंप्लीट सिलेबस 11th 12th का रिवीजन 1 पूरा आपको रिवाइज करना 11th एंड 12th वापस से. और पीवाईक्यूज जो तुमने यहां पर स्टार मार्क किए होंगे वापस से कि यार तुम्हें लग रहा है कि वापस यार ये तो रटने वाला है, पर करना है, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, वो फिर से रिवाइज करोगे. एंड लास्टली अप्रैल कंप्लीट रिवीजन सेट 2 पूरा क्लास 11 12th का आप रिवाइज कर रहे हो. अंडरस्टैंड, हर बार जब आप पढ़ोगे यू हैव टू प्लान फॉर योर नेक्स्ट रीडिंग, कि आपको लेट से इस बार तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने के लिए लेट से तुम्हारे पास 6 घंटा था, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास तुमने प्लान किया होगा कि तुम्हारे पास 3 ही घंटा था, तुम इस बार ऐसे अंडरलाइन कर लोगे कि तुम अगली बार एक्चुअली 3 घंटे में मेन चीजें रिवाइज कर पाओ. वैसे ही एवरी रीडिंग यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट रिवीजन. एंड अब लास्ट का जो आपका मे बचा होगा, है ना, 4-5 दिन 6 दिन जितना भी बचा होगा मे में आपका 2025 का, यू एक्चुअली हैव टू जस्ट रिवाइज द वेरी वॉलेटाइल नंबर्स वाले जो होते हैं, फॉर्मूलाज, जो भी आपको लगे कि यार वॉलेटाइल है भूल जाएगा यार, है ना, एकदम बिल्कुल रटने वाली चीज है, वो रिवाइज कर लो और जाके अपना नीट का पेपर 2025 दो. आई प्रोमिस दैट यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट रैंक. नाउ एनसीईआरटी अभ्यास बैच के बारे में, वॉट डू पीपल से, जो मैंने तो तुम्हें बता दिया, वॉट डू पीपल से. I've purchased it and it is so helpful that even after reading the chapter 4-5 times, I'm missing minute points. ये आपके साथ भी होगा. NCERT पढ़ोगे ना 4-5 बार तब भी चीजें miss कर दोगे. Through the questions, I'm able to know my depth, mistakes and how I have grasped from my chapter. You don't know how much you are helping all the NEET aspirants. ठीक है. Now, there's other person जिसने आज ही मेरे को message किया है.
my all fear of solving questions are now gone and concepts are crystal clear. It is very helpful not only for bio but for physics and chemistry too. एक बच्चा था, इसने एक चैप्टर को सॉल्व किया और ये क्वेश्चन बैंक ट्रैकर है, इसमें देखो दिखा रहा है कितने बुकमार्क किए बच्चे ने क्वेश्चन, उसने सही किया, एनसीईआरटी पढ़ा, उसको लगाया 106 में से 101 उसने क्वेश्चन सही किए, राइट. यू हैव अनलिमिटेड रीसेट्स बाय द वे, कि तुमने अगर तुम्हें वापस से अटेम्प्ट करना है टेस्ट, यू हैव अनलिमिटेड रीसेट्स. अदर पर्सन व्हाट, ये भी आज मेरे पास मैसेज आया, मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी थी काफी बार लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एंड गिव अ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड बैच एनसीईआरटी अभ्यास. नाउ एंड ऐसे तुम्हें बहुत सारे यार ऐसे जो है वो मैसेजेस और कमेंट्स आपको मिल रहे होंगे, इस वीडियो के भी नीचे मिल रहे होंगे आपको. एंड द पॉइंट ओवर हियर इज कि तुम एक्चुअली नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. नीट एग्जाम मीन्स कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्या वहां पर एक्चुअल टेस्ट हो रहा है कि आप एक स्ट्रेस बाउंडेड मैनर में, क्या आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं टाइम बाउंडेड मैनर में. नाउ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे, ट्रस्ट मी इट विल बी अ लाइफ सेवर एज दिस स्टूडेंट सेज इन योर नीट 2025 प्रिपरेशन, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय द वे दिस इज, जिन लोग के पास फोन नहीं है, लैपटॉप के साथ या फिर एप्पल यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी है, बस गूगल क्रोम डाउनलोड करना है, आपको essential.neetprep.com पे जाना है. सो इसका वेब वर्जन और iOS वर्जन भी अवेलेबल है ऐसे. सो दिस इज समथिंग विच आई वुड से कि यार एनरोल करना ही करना है. एंड इससे अच्छा क्या हो सकता है यार, कि तुम्हें 3 दिन यूज करो, नहीं पसंद आ रहा है वापस ले लो. बट मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ओनली 2.5%, ये लेटेस्ट मैं आप तुम्हें बताऊं, 2.5% ऑफ द पीपल हु हैव परचेस्ड इट उन्होंने रिफंड रिक्वेस्ट डाली, 97.5% हैव नॉट. बिकॉज तुम समझ जाओगे, व्हेन यू एनरोल यू विल अंडरस्टैंड, इतना ज्यादा आपको मजा आएगा. नाउ यू विल एक्चुअली, एक गेमिफिकेशन हो जाएगा, तुम जितने भी पेज एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो उतने तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो. ये कहीं नहीं था यार, किसी भी बुक में तुम्हें ये चीज नहीं मिल रही होगी. तुमने पेज नंबर 22 से 27 पढ़ा, उतने पेजेस के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हें हर रोज एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा. एक्चुअली जितना पढ़ रहे होगे उसको तुम अप्लाई कर पा रहे होगे, कंसोलिडेट हो पाएगी वो इंफॉर्मेशन. और बार बार जब बुकमार्क वाली चीज है बार बार रिवाइज कर लोगे तो नो डाउट तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस होगा, क्या तुम्हें कमांड होगा उस चैप्टर पर. ट्रस्ट मी ऑन दिस. एनसीईआरटी अभ्यास बैच के बारे में सब कुछ अगले एक मिनट के अंदर. गूगल प्ले स्टोर से नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपको सारे जो चैप्टर्स है सीक्वेंशली अवेलेबल हैं, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के फॉर्म में डिवाइडेड है. किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक करोगे तो पेजेस एनसीईआरटी के सामने आ रहे होंगे. पेज पर क्लिक करके आप कोई भी क्वेश्चन एडिट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कितने लोगों ने क्वेश्चन सही किया और कितनों ने गलत किया है. नेक्स्ट, आप जब शो एक्सप्लेनेशन करोगे तो हर एक क्वेश्चन का डिटेल टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है. क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन से आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी लाइन से बनाया गया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी मार्किंग की हुई है और ये केवल बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी किया गया है. इवन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं उसमें हिंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि क्या स्टेप होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो गो एंड एनरोल फॉर द एनसीईआरटी अभ्यास बैच. अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो 3 दिन तक आप यूज करके यू कैन क्लेम अ फुल रिफंड विदाउट नो क्वेश्चंस आस्क्ड. सो गो एंड एनरोल नाउ. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हम लोग ने तुम कह लो छोटू एनसीईआरटी कह लो, देखो दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एनसीईआरटी. मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे जो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं है ना, डिजिटल हैंडमेड नोट्स हैं, ये बहुत बहुत अमेजिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए. ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना है, सारे चैप्टर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बहुत. और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनोटेशन आपका जो है, हम लोग ने एनसीईआरटी की टेबल्स डायग्राम सारी चीजें की हुई है. आपका हर एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आधे घंटे में आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो इससे. बट अंडरस्टैंड एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करने के लिए दैट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल टूल. यू कैन कंसिडर वॉचिंग दिस. नाउ इस इन नोट्स को यूज करके मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, 665 मार्क्स एक बच्चे ने स्कोर किए. आई यूज द FAT बेस्ड नोट्स. एट द एंड मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा, मेक अ शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक. हम लोग ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, मंथ वाइज शेड्यूल ठीक है, तुम अगर मन है तो बना के अपना रख लो, एक उस पर अपने जो सामने वाली वॉल उस पर चिपका दो. बट प्लीज मेक अ शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, बिकॉज हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट एग्जीक्यूशन पे जब चीज आती है तो लोग नहीं करते. और उस एक वीक में, एक वीक से मेरा मतलब क्या है, 7 दिन का वीक नहीं, मैं 8 दिन का वीक बोल रहा हूं. पूछो क्यों? क्योंकि 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन जो 6 दिन पढ़ा उसे रिवाइज करना है, और 8वें दिन जितने भी 6 दिन पे रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो तुम्हें पढ़ने. सो
वो उसका 8 दिन का, नेक्स्ट 8 दिन का आप एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो, और जितने भी पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो उसको एनसीईआरटी अभ्यास बैच से प्रैक्टिस करो, यू लव इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, नीट 2025 फोड़ के आना है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई वॉज विद यू, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि भैया वीडियो बना दो 25 वालों के लिए, एंड दिस इज आई थिंक अ कंप्लीट प्लान जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। बट नाउ जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहली चीज ओनली 5% है, उससे भी कम, मे बी 1% विल एक्चुअली स्टिक टू दिस टिल द एंड, एंड ओनली दोज विल एक्चुअली बी द एक्चुअल कंटेंडर्स फॉर एम्स न्यू दिल्ली। फर्क पड़ता है इससे कि क्या आप उनमें से एक हो कि नहीं, उन 5% बच्चों से जो एक्चुअली इसको फॉलो करने वाले थ्रू आउट द 2 years, बिकॉज दिस इज नॉट अ 100 meter रेस, दिस इज अ कंप्लीट मैराथन एंड यू हैव टू विन इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, भूल गया था बोलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया था लाइक का बटन दबा देना, और ये अपने फ्रेंड्स को यार शेयर कर देना प्लीज यार, बहुत मेहनत लगी इतना सब बनाने में, मान लीजिए पूरा एक दिन लग गया यार मेरा, मतलब थोड़ा सा प्लीज हेल्प करो, सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सबकी हेल्प होगी। बाय बाय।